हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आपको एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है और भी ग्रेजुएशन फिजिक्स से रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम पे डिस्कस किए जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें। और यदि आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप उन्हें प्राइव बटन के द्वारा जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एमएससी फिजिक्स कोर्स फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में एमएससी फिजिक्स कोर्स की कितने नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है कैटेगरी वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको बताने वाला हूँ कोर्स की आपकी फ़ी कितनी लगेगी, ये सब अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में पहले मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जहाँ से जाके आप देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने सीयूसेट एमएससी फिजिक्स 2021 एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। आज अपन बात करेंगे कि एमएससी फिजिक्स कोर्स की कितनी फीस है यहाँ पे और कितनी नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसको एमएससी फिजिक्स के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में एमएससी फिजिक्स के लिए कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिजिक्स के लिए जो कोर्स चलता है उसका नाम है फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स। इस नाम से यहाँ पे एमएससी फिजिक्स में कोर्स चलता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स हैं वो कितनी सीट्स हैं, 50 सीट्स हैं। यहाँ पे टोटल सीट जो आपकी हैं वो 50 सीट हैं यहाँ पे आपके पास अवेलेबल एमएससी फिजिक्स के लिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं रिजर्व फॉर एससी कैंडिडेट के लिए जो यहाँ पे सीट्स अवेलेबल है वो हैं यहाँ पे 7 सीट्स। नेक्स्ट अपन देखते हैं फॉर एसटी कैंडिडेट, तो उनके लिए यहाँ पर हैं 4 सीट्स। देन अपन बात करते हैं रिजर्व फॉर ओबीसी, ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो यहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं वो हैं 14 सीट्स यहाँ पे ओबीसी के लिए अवेलेबल है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अनरिजर्व जनरल कैंडिडेट के लिए जो यहाँ पे सीट्स अवेलेबल वो 20 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है जनरल कैंडिडेट के लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस के लिए जो यहाँ पे सीट अवेलेबल है वो है यहाँ पे 5 सीट्स अवेलेबल है ईडब्ल्यूएस के लिए। और लास्टली अपन देखते हैं यहाँ पे पीडब्ल्यूडीयू, पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे जो सीट्स रिजर्व हैं वो है यहाँ पे आपके पास 3 सीटें रिजर्व है। तो यह कैटेगरी वाइज सीट रिजर्वेशन है एमएससी फिजिक्स के लिए। टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स है वो आपके 50 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट अपन अब बात करते हैं कि फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है एमएससी फिजिक्स के लिए। तो आप ये देख सकते हैं फीस स्ट्रक्चर इनके द्वारा जो रिलीज़ किया गया है फोर सेशन 2021-2022 के लिए। ठीक है, तो पीजी प्रोग्राम्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने एमएससी फिजिक्स स्पेसिफाइड तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जो साइंसेस वाला कोर्स है आई होप यही कोर्स होगा पीजी प्रोग्राम्स के लिए। इन्होंने एमएससी फिजिक्स यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं किया हुआ है, लेकिन जो साइंसेस वाला कोर्स है मेरे अकॉर्डिंग जो फीस है वो यही है। तो इसकी जो टोटल फ़ी आपकी लगने वाली है वो है आपकी फ़ी 14,950 रुपये और एस टी एस सी कैंडिडेट के लिए जो फीस है वो 13,950 रुपये है। ठीक है, यहाँ पे दो इंस्टॉलमेंट में आप फीस जमा करा सकते हैं। तो ये फीस स्ट्रक्चर रहने वाला आपका एमएससी फिजिक्स के लिए। और सीट मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया क्या रहने वाला है फॉर द सेशन 2021-2022 के लिए। तो जल्दी ही रिजल्ट्स अनाउंस होंगे, जैसे रिजल्ट्स अनाउंस होंगे हमारे चैनल पे आपको बता दिया जाएगा, आप सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। देन नेक्स्ट प्रोसेस जो रहेगी वो काउंसलिंग की रहेगी, तो आप उसके अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को कंसिडर कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तीनों एमएससी फिजिक्स के लिए काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़, आप तीनों को कंसिडर कर सकते हैं। और भी यूनिवर्सिटीज़ है जो मैंने आपको बता दी, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, आप इन सभी को एमएससी फिजिक्स के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।